सिंपल फूड्स को स्वागत है मेरे सिंपल फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे चिकन पकोड़ा। इसे कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हम लेंगे 750 ग्राम चिकन। स्किनलेस चिकन ले ली हूँ मैं, आप स्किन हो कोई भी चिकन ले सकते हैं। चिकन को छोटे पीस करके क्लीन करके हम छन्नी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, थोड़े से कड़ी पत्ता, 3 से 4 स्पून बेसन आटा, 2 से 3 स्पून कॉर्नफ्लोर, लेमन सॉल्ट 1 पिंच, 1 पिंच अजीनोमोटो, ये तिल, ये रोस्ट किया हुआ तिल है 2 से 3 टीस्पून, आप नॉर्मल तिल भी ले सकते हैं। ऑयल, फर्स्ट हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें ये धो के रखे हुए चिकन को डाल देंगे। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, ये सब मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी सब डाल देंगे। कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लेमन सॉल्ट, अजीनोमोटो, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, बेसन आटा, कॉर्नफ्लोर, तिल, 1-2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे एक से, इसको अच्छा सा मिला देंगे। देखो इसी तरह, अब इसको हम ढक के 1 घंटे तक छोड़ देंगे। 1 घंटा हो गया है, इसको एक बार अच्छा सा मिला देंगे ऊपर नीचे करके। ऑयल ले लेंगे इसको डीप फ्राई करने के लिए चिकन को। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम ये चिकन पीस एक एक करके डाल देंगे। सावधानी से डाल लीजिए, मीडियम फ्लेम पे रख के इसको डीप फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर चेंज होने तक। बीच में चलाते हुए इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। देखो ये कलर चेंज होने लगे ही, अच्छा सा कलर चेंज हो गए ही है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह पूरे चिकन पीस हम डीप फ्राई कर लेंगे। बन गए हैं हमारा चिकन पकोड़ा। इसी तरह आप भी घर पे बनाइए, बना के वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।